खमनोर पुलिस ने 3 लाख की लूट के मामले का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूट का आरोप लगाने के वाले पीड़ित को गिरफ्तार कर लिया है। कर्जा ज्यादा होने के कारण आरोपी ने लूट की कहानी रची थी। पुलिस ने मामले की जांच की, सच सामने आया। खमनोर थाना अधिकारी नवल किशोर महिया ने बताया, जालो की मदार निवासी गोपाल कृष्ण सालवी ने बताया था कि 21 अप्रैल को तन सुख सोने से वह 3 लाख रुपए उधार लेकर घर जा रहा था। दोपहर करीब 2:45 को कोशीवाड़ा रोड पर एक बाइक पर 3 बदमाशों ने आंखों में मिर्च झोंककर 3 लाख रुपए लूट लिए। दिन दहाड़े लूट की वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया, मौका मुआयना किया और सीसीटीवी खंगाले। पीड़ित के बयान और हालात मेल नहीं खा रहे थे। ऐसे में गोपाल से फिर पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने लूट की कहानी रची है। पुलिस पूछताछ में सालवी ने बताया कि बेटे वरुण की सूरत में हार्डवेयर की दुकान है, दुकान चल नहीं रही थी, बेटा बीमार रहता था, ऐसे में कर्ज हो गया। साल भर पहले पत्नी मंजू देवी के गहने गांवगुड़ा निवासी सुरेश सोनी के पास गिरवी रखकर 2,50,000 रुपये उधार लिए थे। करीब 15 लाख अन्य लोगों से उधार लेकर रखे थे। इसके बाद खमनोर निवासी तनसुख सोनी से 3 लाख उधार मांगे, कहा कि पत्नी के गहने छुड़वा कर वह रकम बदले गहने दे देगा। तनसुख ने उधार दे दिया। उसी रकम को गोपाल ने लौटते वक्त सुनसान जगह छुपा दिया और बाइक गिराकर आंखों में मिर्च झोंक ली।